क्या हमें आरपीएम स्लो करनी चाहिए? अगर करेंगे तो कैसे होगा? करेंगे तो होगा भी या नहीं होगा? हमने आरपीएम स्लो करी तो बाइक वारंटी में रहेगी या नहीं रहेगी? आरपीएम स्लो करते टाइम अगर कुछ ख़राब हो गया तो कितना खर्चा हो सकता है हमारा? अगर आप जानना चाहते हैं इन सारे क्वेश्चनों का जवाब, तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर एंड तक, तभी आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल पाएंगे। और जिन भी भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए। आपको अगर बुलेट से रिलेटेड वीडियो देखनी है सबसे पहले, उसके लिए आपको घंटे वाला बटन दबाना पड़ेगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं हूं अनिकेत पुनवार, द ड्रीमर बुलेट, हमारा चैनल है सपनों की गोली। देखते रहिए, आपको अगर लेनी हो सपनों की गोली, आप कोई सी भी गोली ले सकते हैं, जौन सी आपको पसंद हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आरपीएम स्लो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो मैं आपको बता दूं यार, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी बाइक से क्या चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं उसे, उसकी क्वालिटी कैसी चाहते हैं, आप इंजन पे कितना लोड डालना चाहते हैं, कितना नहीं डालना चाहते, आप अपनी बाइक से कितना प्यार करते हो नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप क्या चाहते हो अपनी बाइक से। तो आपको अगर मैं कहूँ, मैं आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ। देखो, आरपीएम स्लो हो जाएगी क्योंकि BS6 इंजन जो आपका आ रहा है वो आरपीएम हाई के साथ आ रहा थोड़ा, पर उसमें क्या होता है, पहले उसकी चीज़ बता दूँ क्या है। तो इसमें आरपीएम हाई आता है, आपका आरपीएम हाई आता है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आपकी बाइक चलने लगती है तो वो आरपीएम ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगा आपका, पर जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपका आरपीएम हाई रहेगा, ये स्लो नहीं रहने का। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आरपीएम बढ़ी हुई आएगी, कम नहीं आएगी अगर आप BS6 इंजन ले रहे हैं तो। ये हो गई आपकी बात इसकी। और इसमें मेरे भाई चाहते हैं कि दुक दुक वाली आवाज़ आए, तो उसके लिए वो क्या करा रहे हैं, आरपीएम स्लो करवा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, आपको साउंड अच्छा चाहिए तो वो करवा सकते हो आप। लेकिन अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो आपका ये EFI सिस्टम है, इसके साथ गड़बड़ करनी पड़ेगी आपको, इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कार्बोरेटर सिस्टम नहीं है BS6 इंजन में, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमें दिया हुआ है, जो कि आपका सारा चीज़ें देख रहा है, कंट्रोल इसके RPM को कर रहा हो सब कुछ, तो इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा, और जुगाड़ हमेशा सही नहीं होता। जुगाड़ क्या करना पड़ेगा इसमें बता दूँ कैसे चेंज होगा। इसमें जुगाड़, एक ऑक्सीजन का छेद है, उसको आप छोटा कर दीजिए उसका होल, तो वो आपका आरपीएम स्लो कर देगा, जिस वो मतलब एक क्या कहते हैं, अंदाजा है कि इतना छोटा कर दिया तो इतना हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है कि फिक्स इतना ही होगा आपका, तो वो आपको देख के रखना है, तो उससे आपका आरपीएम स्लो हो जाएगी, ठीक। उसके बाद लेकिन अगर जैसे आप अपनी बाइक से परफॉर्मेंस भी चाहते हैं, आप भाई हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है इसका पिकअप अच्छा है BS4 BS3 के मुकाबले, क्योंकि इसमें EFI सिस्टम लगाया है कार्बोरेटर सिस्टम की जगह, उसकी वजह से इसका एवरेज अच्छा है, ये सारी चीज़ें इसकी बढ़िया है, जो क्वालिटी है आपकी उनके साथ आप छेड़े छाड़ करोगे तो आपके एवरेज पर भी फ़र्क आएगा, आपके बाइक इंजन पर ज़्यादा लोड डलेगा क्योंकि उसे ऑक्सीजन कम मिली है। अगर यार खुद देखो, तुम लेह लद्दाख जाती कोई बाइक तो उसका इंजन क्यों बोल जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसे पूरी तरीके से, और आप उसको काम सेम प्लेन में भी उसके साथ ये काम कर दो कि उसे ऑक्सीजन कम देने लगे। अगर मैं आपका गला घोट के रखूँ पूरे टाइम, तो आप कितना अच्छा मुझे वर्क कर पाओगे, अगर आप कोई काम करते हो, किसी काम को इफेक्टिवली करते हो, तो आप उसे कितना इफेक्टिव कर सकते हो अगर मैं आपको गला घोट के रखूँ, तो उस बात से आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी बाइक के साथ, आप उसका गला घोट रहे हैं, सांस लेने की सिस्टम उसका कम कर रहे हैं, EFI सिस्टम से गला घोटना ही हो गया उसका। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी बाइक का गला घोट के रखना चाहते हैं या फिर आप अपनी बाइक को एक अच्छा हेल्दी रखना चाहते हैं। तो आपके स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं कि RPM स्लो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। EFI सिस्टम के अंदर एक ऑक्सीजन पॉइंट आता है, उसको आप छोटा कर दीजिए, उससे एकदम आपका RPM स्लो हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा उसमें करने को, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कुछ ख़राब होगा नहीं होगा, ज़रूर ख़राब हो सकता है, आपका EFI सिस्टम पूरा का पूरा बिगड़ सकता है, आपका इंजन पे लोड आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उससे, सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी EFI सिस्टम की, क्योंकि भाई वो इसका मेन जो खाना है वो उसे EFI सिस्टम ही झेल रहा है, तो आप उसका गला घोट रहे हो तो ख़राब कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, पर होगा ज़रूर, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आरपीएम स्लो होने के बाद आपकी बाइक वारंटी में रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी भाई, आप किसी जो कंपनी ने चीज़ लिया, अगर आप यार बैंड पाइप भी चेंज कर रहे हो ना, तो भी कंपनी आपकी वारंटी से हटा रही है इंजन को, तो ये तो उसका मेन पार्ट है आपका EFI सिस्टम,
तो वो क्यों नहीं उसे आउट ऑफ वारंटी करेगी? आउट ऑफ वारंटी का मतलब है कुछ भी इसमें फिर दिक्कत आती है आपकी वारंटी के अंदर, तो वो वारंटी में नहीं ली जाएगी, बिल्कुल नहीं ली जाएगी, क्योंकि EFI सिस्टम आप बाहर से चेंज करवा ही नहीं सकते। उसके लिए आपको कंपनी में जाना होगा, कंपनी आपको देगी नहीं क्योंकि आपने EFI सिस्टम के साथ छेद किया हुआ, जुगाड़ किया हुआ, और जुगाड़ वो ऐसा, वो रिवर्स जुगाड़ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर आपको चिपकाना पड़ रहा है, पूरा का पूरा छेद को आपको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसे लगभग ये मान लीजिए वो ख़राब हो चुका है जो EFI सिस्टम आपके उसमें लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको वो बदलवाना ही पड़ेगा, तो वो आपकी कंपनी जानी पड़ेगी, कंपनी जाओगे तो वो आपकी बाइक को आउट ऑफ वारंटी कर देंगे और फिर आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी जो आपको वारंटी में अंतर मिलनी चाहिए। कोई भी दिक्कत, मैंने मान लिया चलो यार आपने EFI सिस्टम चेंज कराया उसकी वजह से उसमें दिक्कत नहीं आई, किसी और वजह से आ गई, पर कंपनी को तो कोई बहाना चाहिए आपको तरकाने का, वो क्यों दे आपको फ़ायदा? नहीं देना चाहते, उनका खर्चा हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, तो क्यों करें? वो तो आप पे ऊपर जोर डालना चाहेंगे, तो EFI सिस्टम में खराबी होगी, वो आपको एकदम माल फंक्शन दिखा रही होगी, कितने सारे दिक्कत दिखा रही होगी इंजन में, तो वो सारा का सारा आपकी EFI सिस्टम पे डाल देंगे, तो आपका EFI सिस्टम वहीं पे पूरी बाइक को ख़राब कर देगा, सारी की सारी वारंटीज़ की ले देगा और आपके एल लगवा देगा। तो उसको आपको देख के रखना, आपकी वारंटी में नहीं रहेगी बाइक बिल्कुल भी, अगर EFI सिस्टम के साथ आपने वो जुगाड़ किया जो सब लोग दिखा रहे हैं आपको, कुछ नहीं वही जुगाड़ है कि उसी से चल रहा है, बाकी डी कंप्रेसर वाला भी आ रहा है यार, मैंने तो देखा नहीं अभी तक BS6 जिन में डी कंप्रेसर लगाया हो, कुछ नहीं देखा मैंने उसका, जैसा BS3 BS4 में तो डी कंप्रेसर से कर रहे हैं, और जो आपका मेन कंप्रेसर है उसे निकाल के मैनुअल कंप्रेसर लगा रहे हैं, वो यार कैसे करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, मुझे जुगाड़ में उसमें पड़ना, क्योंकि मैं अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसके लिए मैं ये गड़बड़ नहीं लूँगा। फिर आती है आपकी बाइक, कितना खर्चा हो जाएगा अगर आपका EFI सिस्टम ख़राब हो जाता है? देखो यार ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम होगा, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टर जो आपका कार्बोरेटर सिस्टम था उसके हटा के ही लगा, तो लगभग लगभग आपका 20-25 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा पूरा का पूरा, मोटा मोटा बता रहा हूँ एक आपको मैं, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि इसे क्या पता वो जुगाड़ करके सही कर दें ना करें, लेकिन अगर उसके साथ ही आपके और भी कुछ ख़राबी आती है वो नहीं सही होने का, आपका 20 से 25 हज़ार का फटका लगेगा ही लगेगा जरूर, बहुत तगड़ा वाला लगेगा। तो मैं बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगा आपको कि आपको EFI सिस्टम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करनी चाहिए चाहिए, क्योंकि माल फंक्शन जो लाइट हमारी यहाँ पे आती है, देखिए ये वाली अभी जली नहीं है, एक सेकंड मैं अभी इसको गियर से निकाल के दिखाता हूँ आपको माल फंक्शन की, ये जब हम स्टार्ट करते हैं बाइक को तब यहाँ पे आती है, अभी जल नहीं रही है, मतलब स्टार्टिंग करते हैं ना जब, हाँ देखो ये आ गई, जब ऑन करते हैं रहती है, पर जब स्टार्ट हो जाएगी ये हट जाएगी बाइक माल फंक्शन की लाइट, ठीक, पर ये कंटिन्यू आपकी बाइक में रहेगी अगर आप EFI सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ी करते हो, तो ये आपकी कंटिन्यू जलती रहेगी, उसके साथ आपकी बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आने जाएगी, झटके लेगी, चलते चलते स्पीड कम हो जाएगी, पिकअप नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आने का, एवरेज नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहने का बाइक में, बस आपके नाम की बुलेट रह जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगा। तो यार इसलिए मैं कहूँगा आप साइलेंसर चेंज कर सकते हो, पता है मैंने एक वीडियो में और भी बताया था उसका जुगाड़ सिर्फ आपका BS6 इंजन के साथ आप क्या कर सकते हो, अपना साइलेंसर चेंज कर सकते हो और कुछ नहीं। इस साइलेंसर को शॉर्ट बॉटल मेरा फेवरेट है, बाकी आपको पंजाब, लॉन्ग पंजाब, मिनी पंजाब, उसमें से अगर कुछ पसंद आता है तो आप वो भी लगवा सकते हो, डिपेंड आपकी चॉइस, आप कैसे साउंड चाहते हो। मुझे शॉर्ट बॉटल का पसंद है, मैं शॉर्ट बॉटल प्रेफर करता हूँ, आपको अगर लॉन्ग पंजाब या फिर मिनी पंजाब का पसंद आ रहा आप वो जा सकते हैं। उसमें क्या फ़ायदा, देखो यार साइलेंसर कहीं से कहीं कम उससे नहीं जुड़ा हुआ, इसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हो, उसे निकाला, अपना चेंज किया, चलाया, अगर कुछ गड़बड़ आती है चेंज किया साइलेंसर, चलो कंपनी, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ पर मेन पॉइंट है, वहाँ से नहीं, यहाँ से ये चेंज होता है, ये वाला हिस्सा निकल गया बाहर, साइलेंसर अलग आपका लगा दिया, साइलेंसर इन आपका कौन सा भी चाहो वो लगा लो। तो मैंने पूछा था जैसे आपके ये सर्विस कराई थी मैंने कि क्या कर सकते हैं यार, ऐसे तो मज़ा भी नहीं आ रहा, तो वो कहते भैया आप है ना इसको चेंज करा लो, बैंड पाइप को चेंज मत कराना बिल्कुल भी, मतलब वो कहते थे ऐसे कि इसे भी मत कराओ, पर अगर आप कंपनी ला रहे हो कुछ गड़बड़ हो जाती है साइलेंसर चेंज करे कंपनी वाला लगा के लाओ तो आपको वारंटी मिल जाएगी, इसका कोई दिक्कत भी नहीं आने की इतनी, पर अगर आप साइलेंसर चेंज है उसके बाद आप वारंटी मांग रहे हो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारा का सारा साइलेंसर चेंज पे डाल देंगे वारंटी, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि छेड़ा छाड़ी बिल्कुल नहीं करनी आपको अपनी बाइक से,
अगर आप कोई भी पार्ट चेंज करते हो तो वो आपका आउट ऑफ वारंटी आ जाएगा। ये हमारा इसका है, तो आप साइलेंसर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ ख़राबी आती है आप वारंटी ले सकते हो इसकी, साइलेंसर चेंज करो चलो अपना। इसका मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं यार। देखो ऑक्सीजन वो लगा हुआ है इसमें, सेंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहता छेड़ा छाड़ी हो, क्योंकि वहाँ से पूरा खुलेगा, ये पूरी दिक्कत नहीं देनी अपने को। ज़्यादा वो नहीं लेनी यार इससे पंगा। ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो गया आपका, 3,000 का एकदम लग जाएगा, कुछ मज़ा भी नहीं आने का आपका 3,000 में। मतलब आप 3-4 हज़ार रुपये देना चाहो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी बाइक से लंबा घूमना जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा, अभी मैं राइड पे गया जाने वाला था इसलिए मैंने साइलेंसर चेंज करवा लिया, ये शॉर्ट बटन हटा के। ये सिर्फ लोकल के लिए आपका काम कर सकता है। अगर आप सिटी में जाना है आपका या पुलिस वाले एरिया में ज़्यादा जाना, तो मैं कहूँगा आप कंपनी फिटेड ही साइलेंसर लगा के रखें, उसको ना लगाएं वरना दिक्कत होने वाली है आपको बहुत ज़्यादा। तो ये साइलेंसर चेंज करा सकते हैं आप, साउंड बहुत बढ़िया है, बेसिक्स इंजन की एकदम बढ़िया, कोई ऐसी वाली दिक्कत नहीं है कि आप साइलेंसर चेंज करा लो आपको मज़ा नहीं आने का। बहुत बढ़िया मज़ा आता है साउंड, मेरी वीडियो में आपने देखा हो पिछले में, तो शॉर्ट बॉटल का बहुत अच्छा साउंड है। प्रेफर मैं करूँगा अगर आप लोग को लगवाना, आप मेरी सलाह लो तो मैं कहूँगा आप शॉर्ट बॉटल के लिए जाओ हमेशा, वही असली साउंड है इसका। लॉन्ग पंजाब, मिनी पंजाब, आप अगर आप प्रेफर करते हो उसकी साउंड अच्छी लगती है आपको तो आप जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बढ़िया नहीं है, ये बेकार है, वो बेकार है, मैं अपनी प्रेफरेंस बता रहा हूँ आपको बस, कि आप उसके लिए जा सकते हो। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कि आपके आरपीएम स्लो कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, आप कराओगे तो कुछ ख़राब होगा नहीं होगा, ख़राब हो गया तो क्या होगा, क्या आपकी बाइक वारंटी में रहेगी अगर कुछ ख़राब हो गया तो, या नहीं रहेगी, खर्चा आएगा तो कितना खर्चा आएगा, ये सारे क्वेश्चन हमने इसमें आपके बता दिए कि आप चेंज कर सकते हो, आरपीएम स्लो कर सकते हो ईएफआई सिस्टम में जुगाड़ करके। मर्जी आपकी, कराना चाहो नहीं कराना चाहो, आप कैसे अपनी बाइक से परफॉर्मेंस चाहते हो क्या चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ ख़राब होगा ज़रूर ख़राब होगा, ये डब्बा आपका पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा जिसे हम ईएफआई सिस्टम कह रहे हैं, उससे आपके इंजन पे भी फ़र्क आएगा, माल फंक्शन हो जाएगी, लाइट जल जाएगी, ये वाली माल फंक्शन की लाइट जल जाएगी, कंटिन्यू रहेगी, अभी ऑफ है स्टार्ट नहीं है, उसके बाद हट जाएगी। एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो अभी है माल फंक्शन की लाइट ऑन गई, लाइट गई ना फिर आ गई, ये रहती है लाइट, जब तक ऑन रहेगी स्टार्ट नहीं रहेगी तब तक लाइट रहेगी, स्टार्ट होती माल फंक्शन लाइट बंद। पर ये अगर आप स्टार्ट करने के बाद देख रहे हो, उनके लिए वीडियो जरूर देखना, यहाँ पे एक ही गिग में बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट है हमारी बाइक, जो कहते हैं BS6 इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो देखो अब चली गई, अगर आपके बाइक में कोई दिक्कत आती है EFI सिस्टम या किसी वजह से, तो यहाँ पे लाइट कंटिन्यूस जली रहेगी और ये ABS हमारा ऑन हो चुका है। जो मैंने सेंसर की वीडियो बनाई थी वो आप देख लीजिए, अगर अभी तक आपने सेंसर वाली वीडियो देखी नहीं कि इसमें क्या क्या सेंसर है, तो आपको लिंक ऊपर दे दूंगा मैं वीडियो के, आप उसे जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियो के लिंक्स दे दूंगा मैं आपको, जो अभी मेरे चैनल पे हैं तो आप सारी की सारी जाके देख सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस वहाँ से जाके आप देख सकते हैं हमारी बाइक में कौन कौन से सेंसर दिए हुए हैं बुलेट स्टैंडर्ड 350 BS6 इंजन में। तो जैसे कि मैं कह रहा था, माल फंक्शन आ जाएगा, मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। तो ये सारी दिक्कत आपकी बाइक में आ जाएंगी कि मिसिंग होगी, माल फंक्शन होगा, इंजन में भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि आप अपनी बाइक का गला घोट रहे हो, तो ये बिल्कुल ना कराओ। वारंटी से आपकी बाइक एकदम चली जाएगी। EFI सिस्टम ख़राब तो मेन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ख़राब हो चुका है आपका, तो एकदम सब कुछ ख़राब हो जाएगा। कितना खर्चा होगा आपका, 25 से 30 हज़ार रुपये के करीब आराम से लग जाएंगे यार, क्यों खराज 20-25 हज़ार रुपये आपकी मेहनत की कमाई हुए पैसे क्यों ख़राब करने थोड़े से मज़े के लिए। तो सॉरी यार क्या दिक्कत होगी, तो आप थोड़े से मज़े के लिए अपने 20-25 हज़ार रुपये देना चाहते हो तो यार वो कोई कहीं की भी समझदारी वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल ना करो इसके साथ जुगाड़ कुछ भी। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप मेरी सलाह मानना चाहो, मैं आप मुझसे आप कहो कि सलाह दो कुछ, तो मैं ये दूंगा कि आप EFI सिस्टम के साथ कुछ जुगाड़ ना करें, यही मेरा कहना है।
तो आज की वीडियो में यही सारे सवाल जवाब थे जो आपको मैंने बताया कि आपको आरपीएम स्लो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आरपीएम स्लो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके साथ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा अपने ईएफआई सिस्टम में, जो कि आपका 25 से 30 हज़ार का खर्चा आएगा, तो बिल्कुल ना करें आप। जिन भी भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत थैंक यू, हमने 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। होपफुली न्यू ईयर से पहले हम 1000 पार कर लें। आप सभी की सपोर्ट रही तो ज़रूर कर लेंगे हम। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबको पता लगे कि आरपीएम स्लो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।